3 दिसंबर को होने वाले गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन की मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणी संकाय परिसर में बनाए गए मतगणना स्थल का बुधवार को मंडलायुक्त सहित संबंधित अधिकारियों ने निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिक्षक MLC के मतगणना के लिए वाणी संकाय भवन परिसर में 14 टेबल बनाए गए हैं। इसके अलावा एक टेबल रिटर्निंग ऑफिसर का बनाया गया है। 14 टेबल पर वरीयता क्रम से मतपत्रों की गिनती की जाएगी तथा देर शाम तक परिणाम घोषित करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा मतगणना स्थल पर COVID-19 हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं, जहां मतगणना टेबल तक पहुंचने के लिए प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं और अधिकारियों और कार्मिकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, आपको बताया कि 4:30 पहले साथ मैं था हमने 7:30 का टाइम दे रखा सबको, और 7:30 खुल जाएगा तब भी काम चल जाएगा। एडवांस में पीछे भी बैक रख दी जाती है, वो इसलिए होता है कि वो ख़त्म होगी तो दूसरी भी कर ली जाती, कंटिन्यू रहता तो बैक। इन लोगों को यही तो हमने समझाया कि लेकिन वो एडीएम साहब पुलिस केस के सर एक इधर एक होता है। हमारे गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो मतगणना कल सुबह 8 बजे से होगी, उस मतगणना से पहले हमारा स्ट्रॉन्ग रूम खुलेगा। हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं या उनके एजेंट वहाँ की उपस्थिति में खुला जाएगा और सब लोगों को जानकारी दी गई है। हमारे जितने भी सुपरवाइज़र और असिस्टेंट जो है ये सब लोग जो है 14 टेबल पर होंगे और उन लोगों की हमने तैनाती कर दी गई है, वो समय से पहले आ जाएंगे और जिससे कि सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाए। और ये मतगणना जो है, क्योंकि अभी तक जो संभावना है, हम लोग इसे मान के चले 15-16 घंटे के आसपास में ये पूरी प्रक्रिया हो पाएगी, क्योंकि कई स्टेज में है। पहले हमारी मतपेटिका खोली जाएंगी, उसमें वैधता और अवैधता के मतपत्रों की जांच की जाएगी। करने के बाद फिर जो हमारे 16 कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से अभ्यर्थी बार उनका जो पहली फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो प्रथम वरीयता है, उस वरीयता के आधार पर उनकी चेकिंग होगी। और चेकिंग करने के बाद लास्ट में जो है आरओ के टेबल पर द्वितीय वरीयता के आधार पर निर्णय किया जाएगा। सर कितने टेबल लगाए और कितने अभिकर्ता हमारे ये इस चुनाव में? हमें 14 टेबल लगाई गई हैं, एक टेबल आरओ की है और जिसमें हमारे रिटर्निंग अधिकारी आयुक्त महोदय हैं और उसके साथ मैं AR हूं और हमारे प्रेक्षक महोदय भी आए हुए हैं।